हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रैक्टिस कैफे। और आज इंडियन दलित लिटरेचर की एमसीक्यू सीरीज में हम कवर करेंगे मीना कंडास्वामी को, जो कि बहुत ही यंग एंड फेमस राइटर है, एंड शी केम अप विद वेरी ब्यूटीफुल वर्क्स। सो पहला क्वेश्चन है, मीना कंडास्वामी बिलोंग्स टू, ऑप्शंस हैं चेन्नई, गुजरात, राजस्थान या वेस्ट बंगाल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यंग काली, अ दलित लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट बाय मीना कंडास्वामी इज अ, हमें ये बताना है कि अयान काली, अ दलित लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, ये जो मीना कंडास्वामी का वर्क है, ये क्या है, कौन से लिटरेरी जॉनरा में आता है। ऑप्शंस हैं नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी या पोम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरवर्ड ऑफ अयान काली, अ दलित लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट इज रिटन बाय, हमें ये बताना है कि इस वर्क का फोरवर्ड किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं ए उर्मिला पवार, बी कमला दास, सी कंचा इलैया, डी माया पंडित। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचा इलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयान काली, अ दलित लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट वॉज पब्लिश्ड इन, अब हमें इस वर्क के पब्लिश होने का ईयर बताना है। ऑप्शंस हैं 2008, 2018, 2001 या 2010। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस मिलिटेंसी इज अ, हमें ये बताना है कि मिस मिलिटेंसी क्या है। ऑप्शंस हैं अ पोएम बाय मीना कंडास्वामी, हर ऑटोबायोग्राफी, अ नॉवल बाय मीना कंडास्वामी या शॉर्ट स्टोरी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पोएम बाय मीना कंडास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पोइट्री राइटिंग बाय मीना कंडास्वामी, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमें बताना है कि इनमें से मीना कंडास्वामी की पोइम्स में से पोइम कौन सी नहीं है। ऑप्शंस हैं मिस मिलिटेंसी, टच, वी आर नॉट द सिटीजन्स या ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी मीना कंडास्वामी के पोइट्री कलेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज अ कॉल टू विमन टू बी रेवोल्यूशनरी एंड करेजियस लाइक द हेरोइन हरसेल्फ। तो बताना है, ऑप्शंस हमारे सामने हैं मिस मिलिटेंसी, टच, वी आर नॉट द सिटीजन्स या दिस पोइम विल प्रोवोक यू। ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मीना कंडास्वामी के पोइट्री कलेक्शंस या पोइम्स हैं। तो इसमें से हमें राइट आंसर बताना है, आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस मिलिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल पोम ऑफ विच वॉल्यूम इज बेस्ड ऑन कन्ना की द हेरोइन ऑफ तमिल क्लासिक सिलपथिक्रम। ऑप्शंस हैं ए मिस मिलिटेंसी, बी टच, वी आर नॉट द सिटीजन्स या दिस पॉइंट विल प्रोवोक यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस मिलिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर्स वेयर टू रेप यू, अ बुक बाई मीना कंडास्वामी इज अबाउट। तो हमें बताना है कि द ऑर्डर्स वर टू रेप यू, ये बुक जो मीना कंडास्वामी ने लिखी है, ये किस बारे में है। ऑप्शंस हैं ए सेक्सुअल वायलेंस आफ्टर द श्रीलंकन सिविल वॉर, बी चाइल्ड लेबर, सी है डोमेस्टिक वायलेंस या डी सोशल मीडिया स्पैम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्सुअल वायलेंस आफ्टर द श्रीलंकन सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई हिट यू इज अ नॉवल बाय मीना कंडास्वामी, द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क इज। तो व्हेन आई हिट यू एक नॉवल है, मीना कंडास्वामी ने लिखा है, हमें इसका सब टाइटल बताना है। ऑप्शंस हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग वाइफ, पक्का आपको जेम्स जॉयस का वर्क याद आ गया होगा, अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ, अ पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एज अ यंग वाइफ या अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग लेडी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ। ये मीना कंडास्वामी ने जो नॉवल लिखा है व्हेन आई हिट यू, उसका सब टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय मीना कंडास्वामी, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क मीना कंडास्वामी का नॉवल नहीं है। द जिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू,
एक्सक्विजिट कैडेवर्स या ऑल ऑफ दीज? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज. ये सभी नॉवेल्स हैं जो मीना कन्नास्वामी ने लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मैच्ड? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है. ऑप्शंस हैं मिस मिलिटेंसी 2010, जो कि मीना कन्नास्वामी का एक पोएट्री कलेक्शन है और उसकी टाइटल पोम जो है वो मिस मिलिटेंसी है. नेक्स्ट टच 2006, द जिप्सी गॉडेस 2014. जिप्सी गॉडेस मीना कन्नास्वामी का नॉवल है. एक्सक्विजिट कैडेवर्स 2009. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि जो इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एक्सक्विजिट कैडेवर्स. ये 2009 में पब्लिश नहीं हुआ था, ये 2019 में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज मीना कन्नास्वामीज डेब्यू नॉवल? तो हमें बताना है कि मीना कन्नास्वामी का डेब्यू नॉवल कौन सा है. ऑप्शंस हैं द जिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू, एक्सक्विजिट कैडेवर्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ. तो हमें पता है कि जो डी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन का सबटाइटल है. व्हेन आई हिट यू का सबटाइटल है अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ. तो हमारे पास तीन ऑप्शंस बचते हैं. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द जिप्सी गॉडेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ मीना कन्नास्वामी हैज़ फोर पार्ट्स? बैकग्राउंड, ब्रीडी ग्राउंड, बैटल ग्राउंड एंड बरियल ग्राउंड. सो इसके ऑप्शंस हैं द जिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू, एक्सक्विजिट कैडेवर्स और नन ऑफ दीज. सो इसका राइट आंसर होगा द जिप्सी गॉडेस. तो हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जिप्सी गॉडेस के बारे में फैक्ट्स पता चल रहे हैं. तो जिप्सी गॉडेस जो है वो 2014 में लिखा गया था, मीना कन्नास्वामी का डेब्यू नॉवल था और ये फोर पार्ट्स, बैकग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड, बैटल ग्राउंड और बरियल ग्राउंड में डिवाइडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल इज बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ मैसेकर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स दैट टुक प्लेस इन किल्वेमानी, अ विलेज इन तमिलनाडु इन 1968? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं द जिप्सी गॉडेस, When I Hit You, Exquisite Cadavers and None of These. So, इसका right answer होगा again the Gypsy Goddess. Okay. So, next question है, Which of Meena Kandasamy's poem begins with Have you ever tried meditation? Have you ever tried meditation? से कौन सी poem जो कि Meena Kandasamy ने लिखी हुई है वो शुरू होती है. ऑप्शंस हैं मिस मिलिटेंसी, बी टच, सी दिस पॉइंट विल प्रोवोक यू और डी वी आर नॉट द सिटीजन्स. तो इसका राइट आंसर होगा टच, जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ मीना कन्नास्वामीज फर्स्ट कलेक्शंस टच वॉज पब्लिश्ड इन अगस्त 2006 विद अ फोरवर्ड बाय. तो अब हमें बताना है कि टच का फॉरवर्ड किसने लिखा था. ऑप्शंस हैं कंचा इलैया, माया पंडित, कमला दास या आशा थोरट. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमला दास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना कन्नास्वामीज वर्क मेनली डील विद. तो हमें बताना है कि मीना कन्नास्वामी के जो वर्क्स हैं वो स्पेशली या मेनली किसके किन थीम्स के साथ डील करते हैं. ऑप्शंस हैं कास्ट इन एनिहिलेशन, बी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, सी फेमिनिज्म या डी ऑल ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कारा एंड माई लवर स्पीक्स ऑफ रेप. मस्कारा एंड माई लवर स्पीक्स ऑफ रेप आर मीना कन्नास्वामी. तो हमें बताना है कि ये जो दो वर्क है ये मीना कन्नास्वामी के कौन सी कैटेगरी, कौन सी लिटरेरी जॉनरा में आते हैं. ऑप्शंस हैं एसेज, नॉवल्स, पोम्स या नॉट रिटन बाई मीना कन्नास्वामी. तो इसका राइट आंसर होगा पोम्स. मीना हैज़ ट्रांसलेटेड प्रोज एंड पोइट्री फ्रॉम ब्लैंक इनटू इंग्लिश. तो हमें बताना है कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है. काफ़ी वर्क्स मीना कन्नास्वामी ने ट्रांसलेट भी किए हैं. ऑप्शंस हैं मलयालम, उड़िया, तमिल या पंजाबी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तमिल.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉनरा ऑफ व्हेन आई हिट यू और द पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ इज. तो हमें इसका लिटरेरी जॉनरा बताना है. ये फिक्शन है और ये किस तरह का फिक्शन है ये हमें बताना है. ऑप्शन है ए साइकोलॉजिकल फिक्शन, बी गॉथिक फिक्शन, सी हिस्टोरिकल फिक्शन या डी नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए साइकोलॉजिकल फिक्शन. नाउ मोर अबाउट दिस नॉवल. Which novel is set in contemporary India and it's based on Meena's own experiences of marital maltreatment and it features an anonymous protagonist who marries a university professor of Marxist and post-colonial theory. Very interesting question, friends. Options hain The Gypsy Goddess, When I Hit You, A Portrait of the Writer as a Young Wife, Exquisite Cadavers, या None of These. So iska right answer hoga ऑप्शन बी व्हेन आई हिट यू अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ. नाउ इट्स योर टर्न. विच ऑफ मीना कंदासामी'स वर्क वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर विमेन्स प्राइज 2018. ऑप्शंस हैं द जिप्सी गॉडेस, गॉडेस व्हेन आई हिट यू अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ, एक्सक्विजिट कैडेवर्स और नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में. So, thank you very much, friends. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.